हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। और स्टूडेंट्स, आई एम आल्सो फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज का हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर क्या है बेसिकली? सबसे पहले रेक्टिफायर पढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको जो कुछ दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, देखो एक डिवाइस है। तो स्टूडेंट, जैसे ही इसके अंदर एसी सप्लाई जा रही है, तो देखो स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है, डीसी सप्लाई दे रहा है। करेक्ट स्टूडेंट्स, देखो क्या एक डिवाइस है, उस डिवाइस क्या है अपने आप में, वो रेक्टिफायर है। तो क्या स्टूडेंट्स क्या हो रहा है उसमें, उस डिवाइस के अंदर एसी सप्लाई जा रही है और स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, डीसी सप्लाई बाहर आ रही है। दैट मीन स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। स्टूडेंट क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है स्टूडेंट, जो क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, रेक्टिफायर आप सोच रहे हो कि रेक्टिफायर कहाँ लगा होता है, कहाँ लगा होता है ना? तो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कब करता है? तो स्टूडेंट्स, आपका चार्जर है ना? तो स्टूडेंट्स क्या होता है चार्जर में, आप जो आपका चार्जर की जो टू पिन होती है स्टूडेंट्स, उसके अलावा सॉकेट में डालते हो। और स्टूडेंट्स का जो उसका पिन प्लग होता है, सी पिन होता है या जो भी है ना, तो आप क्या करते हो उसको अपने सेल फोन के अंदर इंसर्ट करते हो। तो स्टूडेंट्स, सप्लाई क्या आ रही है सॉकेट से, एसी सप्लाई। स्टूडेंट क्या होता है घरों में, सप्लाई क्या होती है, एसी होती है, जो सप्लाई हमारी मेन आ रही है। और स्टूडेंट्स, जो सप्लाई आप जो फोन को दे रहे हो, फोन के अंदर जो बैटरी है उसको दे रहे हो, वो स्टूडेंट क्या है, डीसी सप्लाई है। दैट मीन स्टूडेंट्स, चार्जर के अंदर क्या ऐसा डिवाइस है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है? स्टूडेंट्स, उसके अंदर रेक्टिफायर होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है, रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर, विच इज, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई। तभी तो स्टूडेंट क्या करते हो आप, चार्जर का यूज करते हो, है ना? टू पिन प्लग में चार्जर की पिन डाली और स्टूडेंट उसका जो मेन, जो जहां से आप चार्ज करते हो, वो अपने फोन के अंदर इंसर्ट कर दिया और बैटरी चार्ज होने लगती है। सप्लाई क्या मिली स्टूडेंट, डीसी। आई क्या स्टूडेंट सप्लाई उसमें, एसी। तो स्टूडेंट उसके अंदर ऐसा क्या डिवाइस था, रेक्टिफायर था, जो स्टूडेंट क्या कर रहा था, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा था। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रेक्टिफायर समझ में आएगा कि एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। आई होप क्लियर हुआ स्टूडेंट इससे, है ना? हाँ, तो स्टूडेंट्स लोग डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। स्टूडेंट बेसिकली टू टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है स्टूडेंट हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आप हाफ वेव से सोचोगे कि हाफ है इसके अंदर, दैट मीन स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट हाफ एसी इनटू डीसी। स्टूडेंट क्या होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या होता है स्टूडेंट्स, एसी की जो होती है, देखो पूरी आपको पता है एसी सप्लाई जो है अपने आप में, स्टूडेंट देखो ये पूरी एसी सप्लाई है। स्टूडेंट्स क्या है, पूरी एक एसी सप्लाई है स्टूडेंट्स, हाफ अपर हाफ डाउन, दैट मीन्स ऊपर वाली मान ली पॉजिटिव, नीचे वाली स्टूडेंट मान ली नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स ये पूरी एसी सप्लाई है। तो स्टूडेंट्स क्या करता है, ये एसी सप्लाई को क्या करता है, हाफ एसी सप्लाई को क्या करता है स्टूडेंट्स, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। सिर्फ हाफ पार्ट को कन्वर्ट करता है डीसी सप्लाई में, दैट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो तो स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे सामने क्या है, एक रेक्टिफायर बना पड़ा है। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स इतने पोर्शन को अगर आप भूल जाओ कुछ सेकंड के लिए, सपोज करो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखो ये पार्ट क्या है। और स्टूडेंट इसके अंदर जो अंदर जो चीज़ बना रखी है, देखो साइकिल, इसको भी भूल जाओ, एसी साइकिल, एसी सप्लाई। तो स्टूडेंट देखो ये हाफ इधर वाला पोर्शन क्या बना हुआ है, ट्रांसफॉर्मर। स्टूडेंट्स क्या बना हुआ है, ट्रांसफॉर्मर। जब क्या स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स क्या आपको पता ही है, डायोड है, पीएन जंक्शन जिसे हम कहते हैं, एक डायोड कहते हैं स्टूडेंट, कंसीडर कर ले डी डायोड। तो स्टूडेंट देखो ये हमने आपको पता है कि ट्रांसफार्मर है, तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इसकी दो साइड्स होती हैं कोइल की, एक होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी साइड में क्या होता है, हम एसी सप्लाई पास करते हैं, और स्टूडेंट सेकेंडरी साइड क्या होता है, जिसमें हमारे को आउटपुट मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये आपने ट्रांसफार्मर कंसिडर करा, और स्टूडेंट ये रही आपकी प्राइमरी साइड, और स्टूडेंट ये रही आपकी सेकेंडरी साइड। तो स्टूडेंट डायोड को हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे ना स्टूडेंट, तो इसमें एक डायोड यूज करेंगे, कितना डायोड, एक डायोड। और स्टूडेंट फुल वेव पढ़ेंगे अभी, तो क्या पढ़ेंगे, उसमें कितने होंगे डायोड, टू डायोड होंगे। तो स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इसकी सेकेंडरी साइड में एक डायोड लगा होगा। और स्टूडेंट ये कंसिडर कर लिया हमने आर एल, लोड रेजिस्टेंस, एल मतलब लोड रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट सोच रहे हो लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा स्टूडेंट्स, कोई भी बल्ब है आपका, है ना, वो अपने आप में उसके अंदर टंगस्टन है स्टूडेंट, उसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है ना,
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं ना आउटपुट के अंदर, लोड यूज कर रहे हैं, फैन है ना, वो अपना लोड का काम करती है। बट यहाँ लोड रेजिस्टेंस क्या आपने स्टूडेंट्स से एक छोटा सा बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक छोटी सी लाइट होती है ना, जो ग्लो करती है, क्लियर स्टूडेंट, वो अपने आप एक लोड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो स्टूडेंट्स हमारा और लोड क्या होता है, तो बल्ब हमारे लोड रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, फैन भी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने मान लिया एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, अपने आप में एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, जहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसके अक्रॉस में आउटपुट मेजर करेंगे। तो स्टूडेंट क्या करते हैं हम, ये पूरी एसी सप्लाई स्टूडेंट्स करो हमने प्राइमरी साइड में फीड करी, क्या करें स्टूडेंट्स पूरी एसी सप्लाई फीड करेंगे, लेकिन पूरी करने से पहले हम ये सोचेंगे कि हमारे को करना क्या है। एकदम डायरेक्ट फुली तो हम तो ये कुछ नहीं करते ना स्टूडेंट्स, हम तो सिर्फ एक आपको स्टडी बता रहे हैं कि हाँ ये कर सकते हैं। बट स्टूडेंट एक्चुअली क्या है कि हम मान लेते हैं कि इस पूरी एसी सप्लाई में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने क्या करा स्टूडेंट, पॉजिटिव सप्लाई को क्या करा फीड करा, पॉजिटिव सप्लाई स्टूडेंट, ये पॉजिटिव सप्लाई हमने मान ली, इसका अपर वाला पार्ट स्टूडेंट पॉजिटिव सप्लाई है, उसको क्या करा स्टूडेंट इनपुट साइड में फीड करा। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हुआ, जनरेट होगा फ्लक्स, जनरेट होगा ऑब्वियसली अपना सेल्फ इंडक्शन से फ्लक्स जनरेट होना। तो स्टूडेंट जैसे ही आप इस प्राइमरी साइड में क्या करते हो, इस एसी सप्लाई को फीड करते हो, तो स्टूडेंट्स क्या होता है इस प्राइमरी साइड कॉइल में जो एसी सप्लाई आती है उसी वक्त पे क्या होता है स्टूडेंट, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण से स्टूडेंट ये एसी सप्लाई इधर जनरेट हो जाती है, दैट मीन स्टूडेंट ईएमएफ जनरेट होती है। आपने ट्रांसफार्मर का स्टूडेंट्स वर्किंग पढ़ी होगी, जैसे ही आप प्राइमरी साइड में जो ईएमएफ देते हो स्टूडेंट, म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होता है सेकेंडरी साइड में उतनी ही ईएमएफ जनरेट होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट। तो हमने क्या करा, पॉजिटिव पार्ट को स्टूडेंट से ट्रांसफार्मर में फीड करा, तो जैसे ही ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में फीड करा तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसके सेकेंडरी साइड में क्या हो गया, पॉजिटिव ईएमएफ क्या हो गया स्टूडेंट जनरेट हो गई विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव। इज इट क्लियर स्टूडेंट। पॉजिटिव क्यों हुई, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने पॉजिटिव सप्लाई प्राइमरी में फीड करी है और म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस से इस सेकेंडरी साइड कॉइल के अंदर पॉजिटिव सप्लाई जो होगी अब साइड में क्या होगी क्रिएट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलती है। तो स्टूडेंट ये पी है डायोड, ये है आपका सॉरी डायोड नहीं पी सेमीकंडक्टर है, ये आपका एन सेमीकंडक्टर है, यानी कि पी एन जंक्शन है। तो पी एन जंक्शन किससे मिलकर बना हुआ, पी और एन से मिलकर बना हुआ है। तो स्टूडेंट पी फोर आपको बताया था ना, पी फोर होल्स आर मेजोरिटी केयर, एन फोर इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी केयर। तो स्टूडेंट पी मतलब पॉजिटिव चार्ज, एन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट ध्यान से देखो ये डायोड फॉरवर्ड बायस कब आ रहा है, फॉरवर्ड मोड पे कब आ रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग भी और रिवर्स बायसिंग भी बता रखे स्टूडेंट्स मैंने आपको, ये क्या होती थी फॉरवर्ड बायसिंग। तो स्टूडेंट डायोड के पी टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव को नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, दैट मीन इट इज सेट टू फॉरवर्ड बायस। और स्टूडेंट रिवर्स बायस क्या होता है स्टूडेंट, कि पॉजिटिव सप्लाई को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को अगर उल्टा कर दिया जाए, बैटरी को मतलब सिंपल उल्टा कर दिया जाए, तो स्टूडेंट क्या होगा वहां रिवर्स बायस हो जाएगा। दैट मीन स्टूडेंट्स ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे बैटरी और सेल के, तो स्टूडेंट क्या होगा वो रिवर्स बायस होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ये था आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो स्टूडेंट फॉरवर्ड बायस में क्या होता है देखो, और यहां भी वही कुछ फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है, देखो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है स्टूडेंट ये रहा और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो स्टूडेंट पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है देखो पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर जनरेट हो गई, किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट देखो नेगेटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट, दैट मींस स्टूडेंट्स दिस डायोड सेट टू बी फॉरवर्ड बायस। क्लियर स्टूडेंट्स, अगेन रिपीट स्टूडेंट देखो कि ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है स्टूडेंट्स, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो स्टूडेंट पी टाइप के अक्रॉस में स्टूडेंट क्या पोलैरिटी इंड्यूस हुई थी म्यूचुअल इंडक्शन से, पॉजिटिव सप्लाई पॉजिटिव पोलैरिटी इंड्यूस हुई, किसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट देखो नेगेटिव के रिस्पेक्ट, दैट मीन स्टूडेंट ये डायोड क्या हो जाएगा आपका कंडक्ट करेगा, क्या करेगा स्टूडेंट कंडक्ट करेगा, दैट मीन स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा ऑन मोड पे आ जाएगा। तो उसी वक्त पे क्या होगा स्टूडेंट्स इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आउटपुट मिलेगा। तो स्टूडेंट जैसे ही आप इनपुट दोगे पॉजिटिव सप्लाई इनपुट दोगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा उसी वक्त पे क्या होगा स्टूडेंट देखो आपको आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव आपने दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट हमने क्या करा, ये हाफ पार्ट जो था ना स्टूडेंट, ये वाला हाफ पार्ट नेगेटिव वाला, ये वाला हाफ पार्ट था स्टूडेंट, ये हमने क्या करा इस प्राइमरी साइड कॉइल के अंदर फीड करा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, कौन सा पार्ट स्टूडेंट्स डाउनवर्ड वाला नेगेटिव पार्ट को स्टूडेंट्स क्या करा इस एसी सप्लाई के नेगेटिव पार्ट को इस प्राइमरी साइड कॉइल में क्या करा फीड करा। तो स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस से क्या होगा इस सेकेंडरी सप्लाई के साइड में स्टूडेंट्स अब की बार उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा होगा स्टूडेंट्स
सोचो जरा, बताओ क्या होगा, सोचो बोलो। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वो रिवर्स बायस जाएगा। कैसे स्टूडेंट, देखो तो स्टूडेंट, जैसे आपने लोअर पार्ट वाला यानी कि नेगेटिव सप्लाई इस प्राइमरी साइड में फीड करा, तो स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन से इधर क्या होगी, ईएमएफ जनरेट होगी। और वो स्टूडेंट क्या होगी, जब नेगेटिव भी है तो स्टूडेंट इधर नेगेटिव ईएमएफ जनरेट होगी, दैट मींस उस नेगेटिव की पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट पॉजिटिव। क्लियर स्टूडेंट, क्या अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, कि आपने जैसे ही नेगेटिव पार्ट को स्टूडेंट प्राइमरी साइड में फीड करा, तो सेकेंडरी साइड में स्टूडेंट क्या हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस से नेगेटिव ईएमएफ की नेगेटिव पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। अब साइड में विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट डाउनवर्ड, तो स्टूडेंट अब देखो कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर के अक्रॉस में क्या इंड्यूस हो गया, नेगेटिव पोलैरिटी। और एन साइड में स्टूडेंट देखो क्या जनरेट हो गया, पॉजिटिव। दैट मींस स्टूडेंट्स पी साइड में हुआ नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स अब की बार क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड नहीं करेगा स्टूडेंट्स, अब रिवर्स बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिवर्स बायस। दैट मींस स्टूडेंट डायोड इज सेट टू बी नो कंडक्ट, नो कंडक्शन। तो स्टूडेंट कोई कंडक्शन नहीं करेगा, दैट मींस स्टूडेंट ये क्या होगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, क्यों स्टूडेंट्स रिवर्स बायस में स्टूडेंट डायोड क्या होता है, ऑफ हो जाता है, कोई कंडक्शन शो नहीं करता है, वो हमारा ऑफ स्विच की तरह काम करता है। और फॉरवर्ड में रिवर्स फॉरवर्ड में स्टूडेंट वो क्या करता है, ऑन स्विच की तरह काम करता है। और स्टूडेंट्स रिवर्स बायस में स्टूडेंट्स डायोड जो होता है ऑफ मोड की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स रिवर्स बायस में क्या हुआ, ये डायोड कोई कंडक्शन शो नहीं करेगा, दैट मींस डायोड स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, जैसे ही नेगेटिव सप्लाई दी तो यहाँ नेगेटिव मिली, नेगेटिव यह मिली विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव, तो स्टूडेंट डायोड क्या हो गया, ऑफ हो गया। दैट मींस स्टूडेंट्स लोड के अक्रॉस स्टूडेंट कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, नो आउटपुट। तो जैसे ही नेगेटिव देंगे स्टूडेंट्स यहां पर कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अगेन हम क्या देंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी। फिर स्टूडेंट नेगेटिव देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या होता रहेगा, पॉजिटिव दे रहे हैं डायोड के अक्रॉस तो पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव दे रहे हैं तो कोई आउटपुट नहीं मिल रही है, पॉजिटिव दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव दे रहे हैं तो कोई आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन स्टूडेंट क्या हो रहा है, कि हाफ साइकिल देने पर ही स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ डायग्राम में भी देखो कुछ क्या हो रहा है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट जैसे ही आप एसी सप्लाई देखो स्टूडेंट्स दे रहे हो प्राइमरी साइड के अंदर, उसका हाफ पार्ट स्टूडेंट पॉजिटिव साइड का प्राइमरी साइड में फीड कर रहे हो, तो स्टूडेंट सेकेंडरी साइड में क्या मिल रहा है, हाफ पार्ट ही क्या हो रहा है स्टूडेंट, डायोड के अक्रॉस मिल रहा है। और उसी वक्त पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो डायोड को ऑन हो गया। इज इट क्लियर स्टूडेंट, डायोड ऑन हो गया ना। बट दूसरी तरफ स्टूडेंट देखो क्या, जैसे ही नेगेटिव सप्लाई देते हो तो स्टूडेंट क्या होता है, वो डायोड स्टूडेंट्स अब की बार रिवर्स मोड पर होता है, रिवर्स बायस करता है, कोई कंडक्शन शो नहीं करता, दैट मीन स्टूडेंट्स वो ऑफ होता है। तो स्टूडेंट्स वहां पर कोई आउटपुट नहीं मिलती, आउटपुट नहीं मिलती। दैट मीन स्टूडेंट्स ये रिवर्स बायस पर वर्क नहीं कर रहा, बट हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हो गया, कि एक ऐसा है जो हाफ एसी को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। देखो स्टूडेंट वो देखो उसका डायग्राम, और स्टूडेंट देखो उसका ग्राफ। तो ग्राफ में भी देखो क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स कि रेक्टिफायर में आपने हाफ पॉजिटिव दी तो फॉरवर्ड बायस पर आया, डायरेक्ट कंडक्शन करने लगा। बट स्टूडेंट जैसे नेगेटिव दी तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, कोई कंडक्शन नहीं करा, वो रिवर्स मोड पे था, तो कोई सप्लाई आउटपुट सप्लाई नहीं मिली, आउटपुट वोल्टेज नहीं मिली, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं मिला, तो उस पर क्या हुआ, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। दैट मीन्स स्टूडेंट एक टाइम पर डायोड ऑन हो रहा है तो दूसरे टाइम पर ऑफ हो रहा है ना। इज इट क्लियर स्टूडेंट, देखो इज इट क्लियर स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट्स आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, एक तो स्टूडेंट ये डिसकंटिन्यूस शो करता है, स्टूडेंट क्या करता है, डिसकंटिन्यूस कर्व शो करता है। दूसरा स्टूडेंट्स इसकी जो वेव होती है ना, जो आउटपुट मिलती है, ये स्टूडेंट जो होती है फ्लक्चुएटिंग होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, फ्लक्चुएटिंग, थोड़ी सी फ्लक्चुएट करती रहती है और कुछ ज़्यादा भी कर जाती है। और तीसरी तरफ स्टूडेंट क्या होता है, इसकी जो वोल्टेज होती है ना वो स्टूडेंट्स बहुत कम होती है, मतलब आउटपुट जो वोल्टेज मिलती है वो फुल वेव रेक्टिफायर के अक्रॉस कम मिलती है स्टूडेंट, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी होती है ना, इफिशियंसी स्टूडेंट्स वो होती है कम, दैट इज 40.6%। कितने स्टूडेंट्स, हाफ वेव रेक्टिफायर के स्टूडेंट जो इफिशियंसी होती है बहुत लो होती है, दैट इज अ 40.6%। तो इसलिए स्टूडेंट इस रेक्टिफायर को हम क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं बट कुछ खास यूज नहीं करते, क्योंकि ये हमारी इफिशियंसी भी कम देता है, और स्टूडेंट्स इसकी आउटपुट वोल्टेज जो मिलती है वो डिसकंटिन्यूस कर भी शो करती है। तो ये स्टूडेंट बहुत इसकी ड्रॉबैक होती है।